Hey guys, I'm Ashok Krishna and you're watching The Adventure Kid. So today is a new episode. अगर इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो. हम रुके हैं द हिंद होटल में माउंट आबू पे एंड वी आर लीविंग टू जयपुर राइट नाउ. दिस इज़ द बेस्ट एवर थिंग वी डिड इन दिस राइड. मैं और सौम्या भाई वॉकी से बात कर रहे हैं. अभी वो नीचे गए हैं एक्चुअली अपने बाइक के पास. टैंक बाइक तो रात को खोला ही नहीं था. तो दिस इज द इसीलिए मैंने रिसेप्शन पर भी पूछा, वो बोले नहीं है करके. तो या अभी वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे खासे दूर है. वो मतलब सीढ़ियाँ वीडिया सब उतर के जाना है वो बाइक के पास और स्टिल हम लोग बात कर पा रहे हैं देखो विदाउट नो डिस्टर्बेंस. लैपटॉप से एक वीडियो शेड्यूल हो चुका है अभी, वो भी आप देख सकते हो एंड देन आप लोग तब तक देख ले होंगे. और ये जो है ये पूरे बैग्स बैग्ड है. अभी बस लैपटॉप के अंदर रखना है देन निकलना है बस. एक्चुअली हम लोग शेड्यूल से लेट चल रहे हैं. That's it. We are going Jaipur today, and if possible, we'll be stretching थोड़ा आगे रोहतक तक. नहीं but आज most probably जयपुर ही करेंगे because बहुत hectic हो जाएगा नहीं तो. अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जयपुर के लिए एंड वी आर स्टार्टिंग द राइड. वी आर सेट एंड सौम्या भाई की भी बाइक रेडी है. सौम्या भाई अभी आते ही वॉशरूम गए, वो अभी आते ही हम निकल रहे हैं. चलो अभी आपको मिलता हूँ. मैं ये कैमरा रख देता हूँ टैंक बैग में एंड आई होप आज बारिश ना हो. देख के तो नहीं लग रहा बारिश होगा, देखते हैं क्या होता है आगे. क्योंकि ना आप जानो ना हम, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं. चलो निकलते हैं यहाँ से और ज़्यादा लेट नहीं करते क्योंकि पहले बहुत लेट चल रहा है. तो आज का राइड होता है स्टार्ट एंड यस ये बहुत ज़्यादा कैची रहेगा आप लोगों के आँखों के लिए. एक्चुअली ये है वाटरमेलन. वाटरमेलन मेरा फेवरेट फ्रूट. सो आज का राइड होता है स्टार्ट एंड फोटो सेशंस भी हो गया एंड यस वी आर गुड टू गो. टाइम चेक, इट्स 10:05. एक्चुअली अभी हम हैं माउंट आबू में. Like Mount Abu is only 25 kilometers from this place and we have officially entered Rajasthan. And अगर आप लोग ने एक और नोटिस किया, ये देखो Mount Abu, this is Mount Abu. यहाँ पर बोर्ड भी था, देखा ये Mount Abu है. I don't know GoPro is doing the justice or not, but it looks amazing, amazing, amazing. That is Mount Abu. Mount Abu, not Tabu. हाँ, हार्डली 10 किलोमीटर हुआ रहेगा, राइड चालू हो गया. और ये लो अभी तक बारिश नहीं है, राजस्थान में बारिश हो रही है. बॉम्बे की बारिश राजस्थान तक हम लाए हैं, ठीक है. और मैं ये लिख के बोल सकता हूँ कि बॉम्बे में बारिश नहीं हो रही रहेगी, मेरे को मालूम है, ये होता है, ये होता है, आम्हाला माहिती आहे. सम रीज़न भैया के गाड़ी का थ्रॉटल कभी कभी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है. मे बी पेट्रोल ख़त्म हो गया या समथिंग.
जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो देखो ट्रॉटल जब देते तो कुछ होता नहीं है, वैसे ही हो रहा है। तुम्हें भी पेट्रोल खत्म हो गया है, और कल हम लोग ने साथ में पेट्रोल डलवाया था। अभी मेरे इसमें है हाफ टैंक, प्रॉपर हाफ टैंक, भैया के इसमें खत्म हो गया है। भैया ने इंडिकेट किया था कि पेट्रोल नहीं है मेरे इसमें। मैं भी अभी फुल टैंक करवा लेता हूँ, जैसे अगर रुक ही रहे, मतलब अभी वैसे रुक ही रहे हैं तो फिर साथ ही मैं भी फुल टैंक करवा लेता हूँ। वापस वो इशू हो रहा है कि भैया एक्सेलेरेटर दे रहे हैं और गाड़ी खींच नहीं रही, मतलब गैस होने जैसा कैसा होता है, बुड़ 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 वैसे हो रहा जा रहा है। सो एन अपडेट, वी आर एंटरिंग अजमेर सिटी। प्लान तो बिल्कुल था नहीं, एक्चुअली जयपुर जाने का प्लान था, और जिस हिसाब से हम लोग चला रहे थे एंड जिस हिसाब से हम लोग पहुँच रहे थे, हम लोग रोहतक स्ट्रेच करने का सोच रहे थे। मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हम लोग रोहतक प्लान कर रहे थे कि रोहतक स्ट्रेच कर देंगे, बट सौम्या भाई के बाइक में पेट्रोल जो है, मतलब पेट्रोल के साथ पानी भी मिक्स हो गया है मे बी, तो उसके वजह से बाइक को गैस हो गया थोड़ा और बाइक गुड़गुड़े छोड़ रहे हैं साइलेंसर से, और गाड़ी थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज ज़ीरो, गाड़ी सडन डाउन हो जा रही है। ये देखो भैया एक्सेलेटर दे रहे हैं बट जा ही नहीं रही गाड़ी आगे। तो अभी हम जा रहे हैं, हम लोगों ने अभी कांटेक्ट किया है अजमेर रॉयल इनफील्ड सर्विसेज, तो भाई साहब तो वहाँ पर जाके हम तो वहाँ पर जाने के बाद भैया का भैया के बाइक का टैंक निकालना पड़ेगा, देन फ्यूल कैंप जो रहता है उसको भी ड्रेन करना पड़ेगा पूरा साफ करके, देन हम बढ़ेंगे जयपुर को। हेलो, सो अपडेट, टाइम अपडेट। तो ये टाइम तक हम पहुंचने वाले थे जयपुर, नहीं 5:30 तक हम पहुंच जाते थे जयपुर अगर हम लोग कंटिन्यू करते, बट आप लोगों को मालूम है कि बाइक में थोड़ा इशू आ गया। तो कोई ना, अभी रहीम भाई से जस्ट अभी बात हुई, तो रहीम भाई बता रहे थे कि पीछे से बाइक बंद हुई है इधर किधर तो, और मेरी बाइक बाहर है। तो रहीम भाई से जस्ट अभी बात हुई और रहीम भाई बता रहे थे कि बारिश में हमने एक तो बाइक चलाया तो उसमें मे भी पानी अंदर जा सकता है, अगर फ्यूल के साथ मिक्स होता है पानी तो क्या क्या चेंज होंगे, चेंज नहीं मतलब क्या क्या खुलेंगे, टैंक खुलेगा, फ्यूल कैंप खुलेगा और पूरा ड्रेन होएगा, उसके बाद फ्रेश पेट्रोल डाल के स्टार्ट करेंगे देन। तो वही अभी ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले भैया आपका अपडेट है ना, मतलब हायर एल्टीट्यूड वाला अपडेट हो गया था ना है ना, तो अभी वही पहले हो रहा है अभी तो। और एक तो खाना ऑर्डर कर दिया है स्विगी से, हम लोग इधर ही अभी बैठे हैं उनके लॉन्च में, और गाड़ी अब बनते हुए देख सकते हो कि गाड़ी आगे सामने बन रही है इधर, टैंक अभी जस्ट बाजू में निकाल के रखा है ये रहा। तो जब तक खाना नहीं आता तब तक रुकें, फिर देखते क्या होता है। So, काम हुआ है ख़त्म, बाइक ठीक हो गई, पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई है बट यस मालूम पड़ गया कि क्या जड़ है, तो उसको कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के ठीक तो किया है, बट आगे जयपुर में ठीक अगर पार्ट मिलता है तो ठीक करवाएंगे, नहीं तो वहाँ पर भी वही इशू। आई वुड एस्पेशली मेक अ नोट ऑन दिस, इसमें एक साजिद करके एक है, बिग थम्स अप टू हिम यार, बंदा बड़ा अच्छा है, अच्छा काम करता है, मेहनती है। तो यस, ये देखो सुजुकी एंड बजाज के बाजू में जो ठीक बाजू में जो सर्विस स्टेशन है उसी की बात कर रहा हूँ, अजमेर में साजिद करके बंदा है, बिग 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 थम्स अप टू हिम, बड़ा ही प्यारा बंदा है।
It's 6 in the evening and we are leaving to Jaipur from Ajmer. So we have checked into this lovely hotel, Four Points Jaipur, and yes, we are in Jaipur finally. Or last ka, kitna kilometer? 125 kilometers was so frustrating. Like traffic बहुत ज़्यादा हो गया और अजमेर से निकलते निकलते हमें 6 बज गए थे ना भैया? Almost. तो 6 बज गए थे एंड इतना फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि हर जगह ट्रक 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 ट्रैफिक. अभी भैया ने गियर्स उतारने का कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे. मेरा थोड़ा इंसान जैसा फील हो रहा है. मुझे मेरा बम बिल्कुल फील नहीं हो रहा है. अभी धीरे धीरे अनबॉक्सिंग खुद का करूँगा मैं. एंड तो खाना तो अभी तक ऑर्डर नहीं किया है. एंड आई वुड सजेस्ट कि मेरे पहली बात, जयपुर आ रहे हो तो फोर पॉइंट्स या लेमन ट्री में रह सकते हो आप. बाइक्स बहुत सेफ रहेंगे अगर आप बाइक्स अपने बाइक्स ला रहे हो और आप चाहते हो कि बाइक्स डिस्टर्ब ना हो. स्टाफ भी बहुत कन्वीनियंट है इधर का. हाँ एग्जैक्टली. नहीं तो कुछ फाइव स्टार होटल्स में ऐसा हो जाता है कि बाइक्स अलाउ नहीं करते पहली बार, और बोलते हैं बाइक्स को बाहर पार्क करना है, और बोलते हैं कि हेलमेट तो बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं है. मुझे वहाँ पर चिड़ मचती है, बट यहाँ पर ऐसे नहीं है. बहुत अच्छा हुआ. सबसे पहले मैंने वही पूछा कि बाइक्स अंदर अलाउड है कि नहीं. उन्होंने बोला सर आप बिंदास लगा दो, बाइक को कोई छुएगा नहीं. एंड यस दिस इज़ आर रूम, सिंपल एंड सॉर्टेड. यहाँ से एंट्री है, बस यहाँ पर सब खत्म. यहाँ पर गेयर सब सूख रहे हैं. एंड अभी तो प्लान यही है कि तीन चार दिन सूखेंगे. हाँ अभी तो प्लान यही है कि तीन चार दिन हमारा जयपुर घूमने का ही प्लान है. बट चंडीगढ़ में भैया को थोड़ा सा काम है तो आई डोंट नो, दो एक एक आधे दिन का काम है बस समझ ले. तो आधे दिन का काम है तो वी मे गो टू चंडीगढ़ एंड वो काम निपटा के वापस जयपुर आ जाएंगे. और या जयपुर में दो दिन रुक के या जाएंगे भैया को. बट इमरजेंसी मतलब थोड़ा जल्दी है काम, लाइक कल और परसों के इसमें. तो मे बी हम कल जाके वापस आके जयपुर में इधर ही कंटिन्यू करेंगे अपना स्टे. एंड दैट्स इट. यस जयपुर विल बी आर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर दिस ट्रिप, बट चंडीगढ़ जाके टच एंड कम है ना. यस यस. तो फिर अभी खाना ऑर्डर करेंगे. पहले खुद थोड़ा गेयर वेयर उतार लूँ, बहुत थका हुआ हूँ. आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं. कुछ इस तरह के थे मेरे पहले बूट्स. अभी ये देखो क्या हाल हो गए. ये प्रॉपर एक लाइन है जहाँ से नीचे पूरा. अभी बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हो आप. ये बिफोर था और ये देखो आफ्टर पे क्या हो गया. सेम वे इधर भी देखो दिख रहा है. ये देखो लाइक बिफोर आफ्टर बिफोर. हे गाइस, सो आज का दिन होता है ख़त्म. खाना खा के हो गया है. वो मैंने पार्ट थोड़ा थोड़ा शूट किया है, थोड़ा नहीं किया है. मुझे नहीं मालूम मैं व्लॉग में डालूंगा कि नहीं, बिकॉज बहुत हड़बड़ी में हम लोगों ने खाया है. स्टार्टर्स ही ऑर्डर किए थे और स्टार्टर्स खा के हमारा पेट भर गया, बिकॉज़ हम लोग का लंच ही बहुत लेट हुआ था अजमेर में. आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बर्गर किंग से जो ऑर्डर किया था बहुत लेट हो गया था. प्लीज़ अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स से सब्सक्राइब करवा दो. बहुत मेहनत लग रही है फिलहाल ये सब कंटेंट क्रिएट करने में. एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा एडवेंचर हो रहा है अभी ट्रिप में. तो प्लीज़ अभी देखते हैं कि अगले व्लॉग में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं कि नहीं. सो दैट्स इट. सो एज ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्ट्रीट्स, अराइव एट प्रॉपर गैस एंड चेज योर ड्रीम्स. आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड देन बाय बाय. अगला प्लान जो भी है चंडीगढ़ का सब इन पर डिपेंड करता है. अभी जब तक ये बोलेंगे नहीं, अभी सो जाऊंगा. अभी जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक मुझे नहीं मालूम कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं कि नहीं. और मुझे ये भी नहीं मालूम कि हम लोग जयपुर में कल एक्सप्लोरेशन करेंगे कि नहीं. तो जो है आप भी रुको अगले ब्लॉग के लिए, मैं भी रुकता हूँ अगले दिन के लिए. तो वैसे ही ब्लॉग आएगा. तो बाय बाय, मिलते हैं जल्द काफ़ी जल्द.